साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, इनका नाम कंचन है, कंचन राठौड़ है। कंचन राठौड़ ने राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में 2 पदक जीते हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो कंचन से अपन बात करेंगे, कंचन से पूरी जानकारी लेंगे, कहाँ कहाँ ये प्रतियोगिता थी और किस प्रतियोगिता में कितने जनों ने भाग लिया था और ये कब इन्होंने दो ही जो मेडल जीते हैं, गोल्ड और सिल्वर, ये कहाँ कहाँ से जीते हैं। चलो अपन कंचन से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। साथियों आपको बता देता हूँ, कंचन के जो पिताजी है गुलाब सिंह जी राठौड़, वो भी अच्छी घुड़सवारी कर लेते हैं। तो कंचन से पूरी अपन जानकारी लेते हैं। कंचन नमस्कार। नमस्कार। कंचन, आपने ये राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में 2 पदक जीते हैं, एक गोल्ड जीता है, एक सिल्वर जीता है, ये कहाँ कहाँ से जीते और ये कब हुई थी प्रतियोगिता? सर, प्रतियोगिता 2 बार हुई थी, एक लॉकडाउन के टाइम और दूसरी अभी लास्ट ईयर 2023 में। फर्स्टली जब मैंने मेडल जीता था तब मैं जूनियर कैटेगरी में खेली थी और उसमें मेरा था टीम गोल्ड अंडर जूनियर कैटेगरी, उसमें 40 किलोमीटर एंडोरेंस थी। एंड नेक्स्ट 2023 लास्ट ईयर हमारा गेम था, उसमें हमारा टीम सिल्वर आया एंड इन सीनियर कैटेगरी। तो ये कहाँ हुई थी प्रतियोगिता और कितने जनों ने भाग लिया था? सर, ये जयपुर में हुई थी, सागर इक्वेस्ट्रियन अकेडमी में। एंड पहली बार में भी काफ़ी 100 से ज़्यादा घोड़े आए थे पूरे इंडिया से, अलग अलग जगह से, और इस बार भी 100 से ज़्यादा घोड़े आए थे, अलग अलग पार्टिसिपेंट्स थे। अलग अलग कैटेगरीज वाइज ये गेम होता है सर, जूनियर, सीनियर और यंग राइडर, हॉर्स राइडिंग के अलग अलग एज वाइज कैटेगरीज होती है। तो ये घुड़सवारी आपने जो शुरू की है, हाँ जी सर, तो आप कितना समय आपको लगा ये तैयार करने में, आपने ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मेरी पूरी प्रेरणा मेरे पापा जी हैं, उन्होंने ही मुझे चीज़ें सिखाई, उन्होंने ही हॉर्स राइडिंग का शुरू से क ख ग बताया और एक स्टैंड आउट लिया कि हाँ कब क्या कैसे करना है, और उन्होंने ही सिखाया, प्रेरणा दी कि हाँ मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर इस चीज़ को रेगुलेट करना चाहिए। पिताजी ने घुड़सवारी पहले कहाँ कहाँ की है? मेरे पिताजी ने 15 साल से ज़्यादा इंडियन टीम में रिप्रेजेंट किया है, भारत टीम में, एंड इंटरनेशनल नेशनल अलग अलग गेम खेले हैं, 300 से ज़्यादा उन्होंने मेडल जीते हैं। एंड उन्होंने अपनी राइडिंग आर्मी में स्टार्ट करी, रिमाउंट वेटनरी कोर उनकी यूनिट है, उस टाइम पर उन्होंने राइडिंग वहाँ पर स्टार्ट करी, इंडियन टीम में गए, काफ़ी साल रिप्रेजेंट किया, बाहर देश गए, बहुत सारे मेडल्स जीते और उन्होंने ही आगे जाके ये सब चीज़ें कंटिन्यू करी और हमें सिखाया। जब ने आपने पहला ये गोल्ड मेडल जीता था, बाद में सिल्वर जीता है, हाँ जी, हाँ, तो ये गोल्ड मेडल में उस समय कहाँ ये प्रतियोगिता हुई थी और उस समय कौन कौन थे? सर, ये दोनों प्रतियोगिता जयपुर में हुई थी, सागर इक्वेस्ट्रियन अकेडमी में, और दोनों 40-40 किलोमीटर की एंड्योरेंस रेस थी घोड़ों की। आप कितने नंबर पे थे? सर, टीम वाइज अप है तो प्रॉपर पूरी टीम के नंबर देखे जाते हैं। आपकी टीम में कौन कितने जने थे? सर, टीम में 5 जने होते हैं। कौन कौन थे, कहाँ के थे? सर, अलग अलग जगह के थे, जयपुर, जोधपुर, हमारी पूरी टीम अलग अलग बच्चों से बनी हुई थी। तो वर्तमान में अब आप क्या करते हो? सर, अभी मैं लॉ कर रही हूँ, 3rd ईयर कंप्लीट हुआ है मेरा, मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़, वहाँ से मैं अपनी लॉ कंटिन्यू कर रही हूँ, 5 ईयर लॉ, एंड अभी 2 साल और बाकी। कंचन, आपके जो भाई है, हाँ, वो भी घुड़सवारी करते हैं? हाँ जी। हाँ, तो आप भाई और बहन दोनों अब पिताजी के उस नक्शे पर चलते हो? हाँ जी, मेरा भाई है युवराज सिंह राठौर, मुझसे छोटा है एंड अभी उसने 12th क्लियर करी है, उसने मेरे से भी ज़्यादा कई बार नेशनल गेम्स में जीता और अलग अलग पदक हासिल किए, और अभी भी लास्ट ईयर इसी साल उसने वापस एंडोरेंस वगैरह में पार्टिसिपेट किया था और उसको इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मिला था। पिताजी सेना में क्या थे? पिताजी सेना में ऑनरी कैप्टन बन के रिटायर हुए हैं, और उन्हें उनकी आउट ऑफ टर्न जल्दी प्रमोशंस आ गए, इसलिए वो टाइम पे जल्दी रिटायर होते हैं। अब बाड़मेर में आप किसके पास हो, लॉ की तैयारी कर रहे हो? सर, एक्चुअली जब हम लॉ कर रहे होते हैं तो हमें अलग अलग इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है, जब हमारी समर वेकेशन या फिर जो भी पर्टिकुलर पीरियड दिया जाता है कि आप इस टाइम पे इंटर्न करोगे, तो सर अलग अलग कोर्ट्स वगैरह में जाना पड़ता है, बाड़मेर कोर्ट में ईश्वर सिंह सर के पास मैं सीखती हूँ यहाँ पे काफ़ी कुछ, उसके बाद जयपुर में मैंने 2 बार इंटर्नशिप करी है, वहाँ पे NGOs में ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह, वहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं लॉ को लेके और इंडियन लॉज और कहाँ कहाँ क्या क्या फ्लॉज हैं, कैसे कौन सी चीज़ कराई जाती है, हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, ये कंचन राठौड़ है, कनोड़ा गाँव जो बाड़मेर है,
वहाँ की निवासी है और गुलाब सिंह जी है उनकी पुत्री है कंचन राठौड़। इस पोस्ट को एक बार शेयर कर दो और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।